हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा रंदेर्स स्मार्ट कुकरी। आज बनाएंगे अमिया का पना और ये है गर्मियों की सबसे डिलीशियस डिश। और ये एक ऐसी रेसिपी है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो हर बार यही ट्राई करेंगे। तो विटामिन सी और गुड डाइजेशन का ये ड्रिंक आपने बनाना है हमारे साथ, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। अमिया का पना बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी शुगर सिरप की, और शुगर सिरप बनाने के लिए 2 कटोरी शुगर, 1 कटोरी पानी, और इसे हमने पकाना है लो टू मीडियम हीट। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें आंच को धीमा नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, और इसे ढककर नहीं पकाना। जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको मोटे तले का बर्तन लेना पड़ता है, और इसी के साथ जब आप इसे पका रहे हो तो ये शुगर सिरप बहुत सारे अलग अलग कॉकटेल ड्रिंक्स में काम आता है, इसे हम इकट्ठा बनाकर रख सकते हैं। जब तक शुगर सिरप रेडी हो रहा है, साथ में ही जो आम है, कच्चे आम निकालना है, उसके लिए हमने एक बर्तन में पानी लिया है, और इसी के साथ उस पर एक प्लेट रखी है जिसमें छेद हैं, और इस पे आम रखेंगे। बॉईल भी कर सकते हैं लेकिन हम स्टीम कर रहे हैं, स्टीम करने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बनता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इसे ढककर पकाना है। शुगर मेल्ट हो चुकी है और इसके ऊपर का पार्ट धुंधला नज़र आ रहा है और काफ़ी क्लाउडी सा है, सो इसे साफ करने के लिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको याद ही होगा हमने इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून मिल्क, और मिल्क डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है जिससे इसमें जो भी धुंधला मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और उसे छन्नी की मदद से हटा देंगे। छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। आप चाहो तो किसी करछी की मदद से भी हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये सिरप बिल्कुल साफ चाहिए तो हम इसे छान रहे हैं एक बर्तन के अंदर। डिलीशियस अमिया का पना बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे, और उसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून काली मिर्ची, और जो काली मिर्ची है इसे ड्राई रोस्ट किया है, इसी के साथ 1 चम्मच काला नमक और 1.5 चम्मच सेंधा नमक, आप ऑर्डिनरी सॉल्ट भी ले सकते हो। अब इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमने ड्राई मसाला तैयार किया था और अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट्स की, और इसके लिए 1 जार के अंदर डालेंगे पुदीने की पत्तियां, हरे पुदीने की पत्तियां, और इसी के साथ मैंगो पल्प जिसे हमने तैयार किया है मैंगो को स्ट्रीम करके, और फिर उसमें से गुठली निकाल कर उसका पल्प अलग कर लिया है, और इसी के साथ 1 कटोरी शुगर सिरप जो सबसे पहले हमने आपको बनानी बताई है। और अब बारी है इसमें मसाला डालने की, वही मसाला जो हमने अभी रेडी किया था, और इसी मसाले को डालने के साथ हम इसे कवर करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। अब इसे एक जग में ट्रांसफर करते हुए उस जग में 1 लीटर वाटर डालना है, और उस वाटर के डालने के साथ ही तैयार हो जाएगा अमिया का पना। सो हमने इसे जग में ट्रांसफर किया और इसी के साथ 1 लीटर वाटर। तो लीजिए, तैयार हो गया डिलीशियस ड्रिंक अमिया का पना, और अब बारी है इसे सर्व करने की। सो ग्लासेस रेडी है, और इन्हें हमने थोड़ा सा डिजाइन किया है विद रेड चिली एंड सॉल्ट। सो डिलीशियस अमिया का पना तैयार हो गया है। जब तक ये ड्रिंक है हमारे साथ, कोई खतरा नहीं है हमें गर्मियों से, तो गर्मियों में गर्मी को भगाने के लिए इतना टेस्टी डिलीशियस ड्रिंक शायद ही कोई और होगा। तो आपने जरूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को, और लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू। Don't stop.